एसडीएफ न्यूज स्वागत करता है आपका 10 बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं आजाद। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पटना में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सभी होटलों, स्टेशन, बस एवं हवाई अड्डे पर निगरानी रखी जा रही है। शनिवार को पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झंडोत्तोलन करेंगे। इस बीच जवानों ने फुल ड्रेस रिहर्सल भी कर लिया। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग शांत भाव से तैयारी में लगा हुआ है। कोरोना और बाढ़ से अलग ही परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। इस बीच बिहार एनडीए के लोजपा और जदयू के नेताओं के बीच बयानों के तल्खीपन से कटुता बढ़ता जा रहा है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान अपने बयानों से सुर्खियों में है, तो वही जदयू के कई नेता भी पलटवार से बाज नहीं आ रहे। ईमानदार करदाताओं के लिए केंद्र सरकार ने उदार नीति का ऐलान कर एक नए प्लेटफॉर्म की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में टैक्स पेपर चार्टर लागू करने का ऐलान किया है, जो देश हित के लिए जरूरी है। बिहार में इको टूरिज्म को विकसित किया जाएगा, इसके लिए नया एक्शन प्लान तैयार हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई राज्य वन्य प्राणी परिषद की 9वीं बैठक में सभी संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया। विभिन्न स्थानों पर निजी अस्पताल प्रबंधन द्वारा कोरोना के इलाज के मद में अधिक रकम वसूली का धंधा किए जाने के बाद अब कोरोना के इलाज का दर तय किया गया है। सामान्य बेड के लिए 5,000, आईसीयू 10,000 और वेंटिलेटर फी के रूप में 15,000 रुपए तय की गई है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष गलत बयानी कर जनता के बीच भ्रम पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव आपदा काल में भी राजनीति कर रहे हैं। कोरोना संक्रमितों की बेकाबू होती संख्या का सभी क्षेत्रों के कामकाज पर असर पड़ा है। इस बीच पटना हाई कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई की मियाद 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार कोरोना संक्रमण जांच के लिए मुस्तैदी से काम करने लगी है, तो संख्या में इजाफा होने लगा। संक्रमितों की संख्या लगभग 1,00,000 को पार कर सकती है। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या भी 60,000 के पार है, जो संतोष की बात है। अभिनेता सुशांत सिंह मामले में आपसी खटास को लेकर बिहार के साथ महाराष्ट्र पुलिस की बढ़ती दूरी पर लगाम लगाने की जरूरत है। ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब जांच का दायरा तय हो सके। बिहार पुलिस, मुंबई पुलिस या फिर सीबीआई टीम को जांच का जिम्मा अब कोर्ट के पाले में है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत में आशा के अनुरूप सुधार नहीं हो पा रहा है, इससे पूरा देश चिंतित है। ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि उन्हें शीघ्रता से निरोग करने की कृपा करे। इस बीच पूर्व राष्ट्रपति की स्थिति पूर्ववत बनी हुई है। तो अब तक 10 बड़ी खबरों को आपने देखा। आप बने रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए एसडीएफ न्यूज के साथ, और साथ ही इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।